तो पहले हम पेन ड्राइव का जो है कैपेसिटी देख लेते हैं, वो बहुत ही कम दिखा रहा है, 28 GB का पेन ड्राइव। हम सर्च बार में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल लिखेंगे, वहाँ पे जाएंगे और कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम क्लिक करेंगे, स्टोरेज में क्लिक करेंगे और फिर उसके अंदर जाएंगे और हम थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन करना होगा हमें, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हमारा 2 कैपेसिटी ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्रिएट करेंगे तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन ये पेन ड्राइव मेरा 28 GB का है तो इसे हमें एक ही पार्टीशन रखनी है, तो उसके लिए जो है वो हमें इसका रिपेयर करना होगा। ये फ्रंट माई कंप्यूटर पे जैसे यहाँ पे जो है वो शो करता है KB में शो कर रहा है, लेकिन इधर जो है वो विदाउट पार्टीशन अनलोकेटेड ड्राइव जो है 28 GB, तो उसके लिए हमें डिस्क पार्ट पे जाना होगा। तो हमें सर्च करना है डिस्क पार्ट, वहाँ पे जो है हमें यस करके जो है जैसा कि मैंने अभी किया लिस्ट डिस्क टाइप करके हमें इंटर करना है। तो ये जो है हमारा 28 GB का 4 नंबर वाला डिस्क है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं इसे रिपेयर करूँगा तो वो दोनों तरफ जो है वो सही हो जाएगा। तो हमें सेलेक्ट डिस्क 4 टाइप करना है, स्पेस 4 टाइप करना है, इंटर दबाना है, उसके बाद हमें करना है क्लीन और इंटर दबाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में दोनों साइड में जो है वो 28 GB हो गया। अब हम न्यू पार्टीशन पे करते हैं तो सिंगल पार्टीशन 28 GB का मेरा बन जाएगा। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू।